असलम स्टूडेंट्स हमारे पास जी सी यूनिवर्सिटी का पेपर है बी एस फिफ्थ सेमेस्टर का पॉइंट सेट टपोलॉजी तो हम पॉइंट एक्टोलॉजी के पेपर का सोल्यूशन देखेंगे अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इसके एम सी क्यूज का सोलूशन देखा और आज के लेक्चर में हम जो वो इस पेपर के सब्जेक्टिव पोर्शन का जो है सोल्यूशन देखेंगे ठीक है सब्जेक्टिव पार्ट का तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव ठीक है ये सारे क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू क्या है लेट फॉर ईच एन बिलोंग करा जी से डिफाइन बी एफ एन और एन अगर एन uh, अगर ऑड हो इफ एन इज ऑड देन आपके पास या जगह इनके आपके पास सेट है और इसमें जस्ट एन है अगर एन ईवन हो तो उसमें आपके पास एन माइनस वन एन और एन प्लस वन इस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे प्रूव डैट बीटा ऑफ बी एन एन बिलोंग करा जी से इज़ अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन जी तो ये आपने इसका सोलूशन देखना है तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है फॉर सेट ए एंड बी इन आर्थोपोलॉजिकल स्पेस एक्स प्रूव डैट क्लोयर ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल किसके होना चाहिए एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए तो हम इसका भी प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर टू का सलूशन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास वन है तो आपने क्या करना है जैसे कि हम जी सी यूनिवर्सिटी का पेपर देख रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं तो स्टूडेंट्स को इन पेपर के सोलूशन की ज़रूरत है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप सब्सक्राइब करें क्योंकि और भी बहुत से पेपर्स के सोल्यूशन आपको आ, मेरे चैनल से मिलने वाले हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है क्वेश्चन दिस वन है क्वेश्चन के प्रूफ में सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर आपने कुछ नंबर्स ले लिए हैं तो हम लेट करते हैं जी बिलोंग है जी से सेट ऑफ से, टीचर से जी अगर इवन हो तो हमारे पास दिस वन ये वाला केस बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर जी आपके पास ऑर्ड हो तो आपके पास जी बिलोंग करता है दिस वन जी से ठीक है आपके पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं अगर इस तरह से हो तो हमारे पास क्या होगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ़ द बेसिस इज सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन बेसिस की सेटिस्फाई हो जाती है लेट बी एन और बी एम बिलोंग करता है बीटा से सच डेड इन दोनों का इंटरसेक्शन कभी भी फाई नहीं होगा जब इनका इंटरसेक्शन फाइल नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर दो केसेज आएंगे तो हम उन केसेज को भी डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट हमारे पास केस दिस वन है फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं इफ़ एम एन एन एम और एन जो है वो क्या है हमारे पास कंजेक्टिव नंबर्स हैं कि ठीक है कंजक्टिव नंबर्स हम लेते हैं और एम इक्वल किसके एन प्लस टू की है देन आपके पास कौन सा केस बनेगा दिस वन ये आपके पास बनेगा अगर s एम प्लस वन सॉरी एन प्लस वन इज़ ऑड सो इंटरसेक्शन इज़ अ बेसिस एलिमेंट इंटरसेक्शन इज़ अ बेसिस एलिमेंट सेकेंड कंडीशन इज़ ऑब्वियस सेकेंड कंडीशन क्या होगी इसकी ओबियस होगी अब हम केस टू देख लेते हैं सेकेंड केस में हमारे पास एम और एन क्या है हमारे पास कंजेक्टिव इंडीचर्स हैं एन हमारे पास ईवन है और एम क्या है ऑड है तो उस केस में हमारे पास दिस वन बनेगा और बीटा आपके पास क्या होगा बीजा, बीटा इज़ द बेस ऑफ बेस इन जी तो सेट ऑफ इंडीचर्स में क्या होगा बीटा बेस हो जाएगा यही बात हमने बतानी थी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या था कि लेट सेट ए और बी सेट ए और बी हमारे पास क्या है मतलब तो दो सेट्स से हैं टोपोलॉजिकल एक्स में देन हमने प्रूव करना था कि क्लोयर आप एक्स माइनस ए इक्वल किसके आना चाहिए एक्स माइनस इंटीरियर आप ए के तो इस तरह का प्रूफ आपके पास किया है लेट एक्स बिलोंग है एक्स माइनस ए के कांचूकेट से देन इट मीन्स डेट फॉर एनी ओपन सेट यू विथ एक्स बिलोंग है यू से वी सेव वी हैव डैट U intersection x minus A does not equal to फाई but there is not a, a not open set U आपके पास यहाँ पर एक open set है जिसमें से x belong करे और इनका intersection फाई नहीं है लेकिन अगर U open set ना हो और x belong करे U से तो then हमारे पास क्या होगा so एक्स यू क्या होगा हमारे पास subset होगा A का दे फॉर एक्स इज नॉट इंटीरियर ऑफ ए एक्स इंटीरियर नहीं होगा दस एक्स बिलोंग करेगा एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए से इसका हम कन्वर्स भी करते हैं यानी कि थेरम का कन्वर्स करेंगे तो आपके पास थेरम का प्रूफ आ जाएगा नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर फोर के सोलूशन की तरफ मूव करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं देन हम उसका सोलूशन देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है डेट एक्स बी आर सेट एक्स हमारे पास एक सेट है एस यूम पी बिलोंग करे एक्स में से सच डेट द कलेक्शन टाफ कंटेनिंग फाइव एक्स एंड आल सबसेट ऑफ एक्स कलेक्शन टा जो है उसमें क्या क्या है फाइव है एक्स है और एक्स के सारे के सारे, सारे सबसेट्स हैं ठीक है यानी कि टपोलॉजी बनी हुई है एक्सक्लूड पी पी हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं इस टपोलॉजी ऑन एक्स ये हमने बताना कि ये टपोलॉजी बनेगी अगर हम इसको इसमें से यानी कि ये जो टोपोलॉजी है ये जो कलेक्शन है टा इसमें से हम अगर पी को एक्सक्लूड कर देते हैं तो तब भी ये टोपोलॉजी होगी एक्स में ये हमने बात बतानी है इस शर्म में नेक्स्ट हमारे तो पास क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है प्रूव डैट एन इन्फाइनाइट सेट विद फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी आपके पास एक सेट क्या है इन्फाइनाइट है और उस आपके पास क्या है उसके साथ फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी है इस कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस ये आपके पास क्या होनी चाहिए कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए तो हम जो है क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव का सोलूशन देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर टू और थ्री का सोलूशन देखा अब हम क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव का सोलूशन देख लेते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर फोर के सोलूशन की तरफ मूव करते हैं सबसे पहले हम बाई डेफिनेशन काम करते हैं कि पी बिलोंग कर रहे हैं टा में से और एक्स बिलोंग कर है टा में से लेट करते हैं कि यूनियन आप यानी कि यू आई सॉरी यू आई आपके पास एक कलेक्शन है और आई बिलोंग कर है आई में से बिलोंग करता है टा में से क्योंकि हमने एक कलेक्शन लेनी है जैसे कि हमने आ, आ, स्टेटमेंट uh, पर देखा है उसी तरह से वी हैव टू शो डैट ये जो कलेक्शन है ये जो कलेक्शन है इसका यूनियन बिलोंग करना चाहिए टा में से तो इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं अगर हमारे पास क्या ऑफर्स केस हमारे पास क्या है इफ़ यूनियन जो है सॉरी यू आई जो हमारे पास कलेक्शन है वो अगर फाइव हो जाए तो देन आपके पास इसका यूनियन भी uh, जो फाई हो जाएगा तो ये तो ट्रू है लेकिन अगर फाइव ना हो तो देन पी डस्ट नॉट बिलोंग करे यानी कि अगर यू जो है वो डस्ट नॉट इक्वल्स टू फाइव हो और पी जो है वो बिलोंग नहीं करता यू आई में से ठीक है यानी कि जो कलेक्शन है तो पी बिलोंग नहीं करेगा इसके यूनियन से भी ये भी बात ट्रू है तो ये हमारे पास फर्स्ट टू केसेस हो गए हैं अगर हमारे पास यूनियन जो कलेक्शन है वो एम हो और एक हमने केसेस देखा केस देखा जिसमें कलेक्शन एमपटी नहीं है तो हमने दोनों केसेस देखे एक में हमने जो वो या, जो हमारे पास कलेक्शन है वो एम ली एक में कलेक्शन नॉन एमपटी ली तो इट मीन्स के हमारे पास क्या है इट मीस जो हमारे पास पी जो एक्सक्लूड हम पॉइंट कर रहे हैं वो उससे उसके बाद हमारे पास जो टोपोलॉजी आती है वो टोपोलॉजी है एक्स में ठीक है तो ये बात हमने बतानी थी कि अगर हम पी को एक्सक्लूड कर दें तो फिर हमारे पास जो टोपोलॉजी आती है वो क्या टोपोलॉजी है एक्स में तो वो टोपोलॉजी बनती है एक्स में ये बात हमने प्रूव करनी थी नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं और उसका सोल्यूशन देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का हम सोल्यूशन देखेंगे तो फॉर एनी फॉर इन्फानाइट स्पेस विद को फानाइटोपोलॉजी इज कनेक्टेड तो आपके पास इसका सोलूशन है दिस वन लेट एक्स एक्स इज एन इन्फानाइट स्पेस एक्स आपके पास इन्फानाइट स्पेस है विद को फाइटोपोलॉजी वी हैव टू प्रूव डैट हमने प्रूव क्या करना है दिस कनेक्टेड कोनेक्टेड यह आपके पास कोनेक्टेड होने चाहिए इसके प्रूफ के लिए हम ये सारा काम करेंगे तो आपके पास अगर ए और बी आपके पास नॉन एम्पटी ओपन डिस जॉइंट सबसेट है एक्स में सर्च ए यूनियन बी इक्वल किसके होगा एक्स के होगा और ए इंटरसेक्शन बी किसके होगा फाइव के होगा क्योंकि डिस्चॉइंट हमने ओपन सेट्स लिए हैं और इनका कम्प्लीमेंट किसके होगा फाइव कंप्लीमेंट मतलब अगर आप ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लें इक्वल होगा फाइव के कम्प्लीमेंट के ठीक है अकॉर्डिंग टू डी डिमॉर्गन्स लॉ उसके बाद हम जो है वो एक्स प्राइम यूनियन बी प्राइम इक्वल किसके है एक्स की है बट एक्स प्राइम एंड बी प्राइम आर फाइनाइट एंड एक्स इज़ इनफाइनाइट विच इज़ कंट्राडिक्शन एक्स आपके पास क्या है इनफाइनाइट है लेकिन ए, 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 ए प्राइम ए प्राइम और बी प्राइम फाइनाइट आ रहे हैं तो हमने देखा ए प्राइम यूनियन बी प्राइम एक्स तो है एक इनफाइनाइट है और ये दोनों फाइनाइट है तो ये कंट्राडिक्शन आ गया है, तो कंट्राडिक्शन आ गया सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग तो एक्स हमारे पास क्या होगी कनेक्टेड स्पेस होगी तो ये पे पास क्वेश्चन नंबर फाइव का सोल्यूशन था आई होप स्टूडेंट्स का आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी पेपर का सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया कोई भी चीज़ समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके अलावा आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब मस्त करें और शेयर भी मस्त करें ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़